लेडीज़ की जो राखी होती है इसको लुम्बा कहते हैं, और ये इस टाइप की होती है, इसको चूड़ी में बांधा जाता है। इस तरीके से अब मैं आपको कुछ जो राखी हैं वो शो कर दे रही हूँ, और इनको आपको कैसे बनाना है। ये देखिए, एक ही ट्रायंगल पीस काटा हुआ है, और जब हम इसको टर्न करेंगे तो ये कोन जैसा बन जाएगा, इस तरीके से। तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी क्लॉथ लेके उसको ग्लू की स्टिक से, ग्लू से स्टिक करके, और उसमें ऊपर स्टोन वगैरह वर्क वगैरह कर सकते हैं इसमें। ये इस तरीके से आपको कोन बनाना है कि इसमें होल दिखे। ये देखिए, मैं आपको दूसरी भी शो कर रही हूँ। ये इस तरीके से इसके बीच में जाएगा, जो थ्रेड की पोजीशन होगी वो होल के बीच से जाएगी। देखिए, मैं आपको मोटे वाले थ्रेड से बता देती हूँ एक बार फिर से। ये टर्न किया और नीचे हमने स्टोन, कुछ भी लटकन लगाने वाली लगा सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं। ये इस तरीके से इसके बीच में आ जाएगा, और नीचे आप इसको लटकन वगैरह लगा के और बंद कर देंगे इस तरीके से। इसमें हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि थ्रेड जो लेंगे वो पतला वाला ही लीजिएगा, अदरवाइज़ इसको बांधने में हमको प्रॉब्लम आएगी। जब हम बैंगल में उसको बांधेंगे तो ढंग से नहीं बंधेगा। ये देखिए, पतला वाला धागा इस तरीके से ले सकते हैं, ये जो लटकन है वो ले सकते हैं। ये बीच में जो पॉम पॉम आते हैं लटकाने के लिए, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। सीप वर्क, सीक्वेंस वर्क, ये थ्रेड इसमें देखिए ऊपर नॉट बांधी गई हुई है, बीड्स लगाकर कंप्लीट किया और नीचे लटकन लगा दी गई हैं। ये सब मार्केट में अवेलेबल हैं, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये देखिए, स्पंज, स्पंज भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, या जो मैंने आपको बताया गोल लटकने वाली पोम पोम जैसे आती है वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। ये हमको इसको सपोर्ट करने के लिए है, ये लटकन लगाई है उसको सपोर्ट करने के लिए लगाई गई है। तो ये कोन इस तरह से बना के, ये होल है इसमें, ये वर्क आप कर सकते हैं। मैं अभी आपको कुछ और भी लुम्बा शो करती हूँ। ये देखिए, ये पतला ही लगाएंगे ऊपर के तो अच्छा रहता है, क्योंकि उसको बांधने में हमको आसानी होती है। इसमें भी देखिए, हमने ये स्टोन कुंदन वर्क उसको चिपका दिया है, और नीचे ये लटकन मार्केट में जो अवेलेबल है उसको ले लिया। ये देखिए थ्रेड, ये वर्क, और इसमें नीचे एक बजने वाली घंटी भी लगाई हुई है, जो घुंघरू आता है वो लगाया हुआ, ये बजता भी है। ये एक टाइप का और इसको स्टिक कर दिया है। ये जो गोटा आता है उससे
फ्लावर बना के लगाए, ये लटकन लगाई हुई है और ये कैप, ये सब मार्केट में अवेलेबल है। आप लेकर और इसको इस तरीके से बना सकते हैं। ये सब इसके अंदर जाके, ये देखिए, ये जो लगाते हैं ये केवल फिनिशिंग के लिए लगाते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसको बना सकते हैं। इस तरीके से मैं सब शो करती जा रही हूँ। एक ट्राइंग जैसे कोन बनाना हो उस टाइप का शेप लेकर, और उसमें आप वर्क कर सकते हैं, थ्रेड नीडल का यूज़ भी कर सकते हैं, चिपकाना चाहें, स्टिक करना चाहें, ग्लू का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए बस्ती भी है ये। ये वाले जिस वर्क उसमें किया हुआ है, ये देखिए स्टोन वाली जो लेस आती है उसको लगा कर और उसको स्टिक कर दिया है मोती के ऊपर, तो ये थोड़ा और अच्छा दिखने लगा। इस तरह के सीप मार्केट में मिलते हैं इसको। ये देखिए आप, इसमें होल है, होल के जरिए इसको आपस में जोड़ दिया है और उसके ऊपर से ये जो स्टोन वाली लेस आती है वो लगा दी है। जो बैल लगी हुई है उसमें भी स्टोन वाली लेस लगा दी। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ऐसे देखिए कोन लिया, कोन को और इसके बीच में ये जो होल है, यहाँ से आप इसके रखने की व्यवस्था, लटकाने की व्यवस्था बना सकते हैं।